अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको क्रिप्टो करेंसी के एक और बेसिक क्वेश्चन से मुतल्लिक आपको गाइड करूंगा मैं। अब वो क्वेश्चन क्या है, आपने मार्केट में अक्सर देखा होगा कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जिनकी रैंकिंग तो अव्वल दर्जों पे है लेकिन उनकी वैल्यू $1 से भी कम होती है, जबकि कुछ क्रिप्टो कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनकी रैंकिंग निचले दर्जों पर होती है लेकिन उनकी वैल्यू उनसे ज़्यादा होती है। तो हमें ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरत है कि मार्केट में ऐसी कौन सी फोर्सेज है जो कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करती हैं। और इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन ये भी इसमें मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में ऐसी कौन सी फोर्सेज है जो कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन की प्राइस को अप और डाउन करती हैं। और तीसरा क्वेश्चन वो इसी के ज़िम्नी क्वेश्चन है दूसरे के क्या वजह है कि मार्केट में किसी भी क्रिप्टो कॉइन की वैल्यू एक ख़ास वक्त में अगर हम देखें तो वो सेम नहीं होती। हर क्रिप्टो एक्सचेंज की यानी कॉइनबेस, ब्लॉकचेन और बाइनांस पे अगर आप एक वक्त में किसी भी क्रिप्टो कॉइन की वैल्यू देखें वो सेम नहीं होती, हालांकि कॉइन सेम है। तो ये सारी एक फिनोमेना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मार्केट में प्राइस फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की प्राइस जो अप और डाउन होती है डिमांड एंड सप्लाई, यही सेम फिनोमेना क्रिप्टो करेंसी में लागू होता है। इसको सादा अल्फाज में समझने के लिए ये मेरे आपको लैपटॉप के ऊपर चार एप्पल्स नज़र आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इसको समझने की कोशिश करें। फ़र्ज़ कर लें कि एक एप्पल की प्राइस 20 रुपये है। अब मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, जितनी मेरे पास चार एप्पल्स की सप्लाई है, अगर सिर्फ इतने ही ख़रीदार, बेशक वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या ये भी मुमकिन है कि चार बंदे एक एक एप्पल लेके जाए, अगर तो जितनी सप्लाई है उतने ही मेरे पास ख़रीदार आते हैं, तो फिर तो मुझे प्राइस ना अप होगी ना डाउन होगी। और आपको पता है लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा नहीं होता, शादो नाजर ही कभी ऐसे होता है और वो भी ज़्यादा देर नहीं होता। हमेशा मार्केट में चीज़ों की कीमतें या अप होती हैं डाउन होती हैं, क्योंकि हमेशा डिमांड और सप्लाई को सेम रखना बहुत मुश्किल होता है, यही क्रिप्टो करेंसी में होता है। अब एक और सिनेरियो आपको को यहाँ पे मैं पेश करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें जो मेरे ख़रीदार हैं उनको एकदम को वीडियो देखते हैं जी कि ईट्स एन एप्पल अ डे, कीप द डॉक्टर अवे, और वो सेहतमंद होने की कोशिश करते हैं। मार्केट में मैं ये भी इंफॉर्मेशन फ्लोट करता हूँ कि अगर आप मेरे एप्पल बाय करेंगे एक तो आप हेल्दी रहेंगे और दूसरा ये है कि मेरे एप्पल जो है वो बहुत टेस्टी भी होंगे। अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन फ्लोट होती है, लोगों तक पहुंचती है, ख़रीदारों की एक लाइन लग जाती है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ चार एप्पल हैं और ख़रीदार यहाँ पे 20 खड़े हैं, तो उस वक्त वो जो 20 ख़रीदार हैं वो किसी भी वैल्यू में ये मैं एप्पल बेच रहा हूँ वो अगर ख़रीद लेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे एप्पल की प्राइस बढ़ जाएगी और मैं बढ़ाऊँगा क्योंकि ख़रीदार ज़्यादा है। तो इसी तरह अगर एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर ख़रीदारों में से एक बंदा ले के तो वो टेस्ट करता है और कहता है यार ये तो बाहर से बड़े खूबसूरत है लेकिन अंदर से गले हुए हैं, और वो जैसे ही वो देखता है मार्केट में इंफॉर्मेशन फ्लोट कर देता है जी कि ये बंदे का माल सारा घटिया माल है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे और आपकी सेहत को भी मसला हो जाए। तो इस सूरत हाल में कोई ख़रीदार मेरे पास नहीं आएगा, मेरी कोई पता नहीं, पूरी दुकान सेबों से भरी हुई है, कोई ख़रीदेगा नहीं। तो उस वक्त ये जो 20 रुपये की वैल्यू है मैं तो कहूँगा वो 5 रुपये में भी ले जाए तो मेरी ये जान छूट जाए स्टॉक से। सेम यही फिनोमेना क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में जब कॉइन्स की वैल्यू अप होनी होती है उसका मतलब यह है कि मार्केट में उससे मुतलक इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि इसको बाय करो, आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ घंटों कुछ हफ्तों के अंदर ही ऊपर जाएगी और लोग जो है वो धड़ाधड़ खरीदना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त उस कॉइन की जो सप्लाई होती है उस एक्सचेंज में जहाँ से आप बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं उसकी स्टॉक कम हो जाता है और ख़रीदार ज़्यादा हो जाता है, वैल्यू अप हो जाती है। इसी तरह जब ज़्यादा लोग सेल करना शुरू कर देते हैं उसकी वैल्यू क्रिप्टो कॉइन की डाउन हो जाती है ताकि वो जो एक्सचेंज है वो आपको सस्ते दामों बेचने की कोशिश करता है, ये सेम फिनोमेना। अब दूसरा इसी के रेलिवेंट जो मैंने क्वेश्चन आपको कहा था कि क्या वजह कि खास कॉइन की वैल्यू डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट होती है, उसकी वजह बड़ी आसान है। हर क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज है जैसे कॉइनबेस है, बाइनांस है, ब्लॉकचेन है, इनके पास हर क्रिप्टो कॉइन जिसको उन्होंने लिस्ट किया हुआ है उसका अपना एक स्टॉक होता है और उनके अपने यूजर्स होते हैं और उनकी अपनी बाइंग और सेलिंग होती है, और जितना उनके पास स्टॉक है, जितनी उस वक्त उस खास वक्त में उनकी बाइंग सेलिंग हो रही होती है उतना ही उन्होंने रेट वहाँ पर डिस्प्ले किया होता है। अच्छा, अब ये एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी फोर्सेज है जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को डिसाइड करती हैं। अगर आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन साइड पर नज़र आ रही है तो आप देख रहे होंगे इस वक्त मैंने कॉइन मार्केट कैप नाम का एप्लीकेशन ओपन किया है जहाँ पे मैंने मार्केट की जो रैंकिंग है कॉइन्स की वो खोली हुई है। इस वक्त आपको रिपल 4th नंबर पे रैंकिंग में नज़र आ रहा है जबकि उसकी वैल्यू आपको साथ ही नज़र आ रही है 56 सेंट, और अगर हम पोलका डॉट की बात करें जो कि रैंकिंग में 6th नंबर पर है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 26 सेंट है। और जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि लोगों की परसेप्शन ये है कि कैपिटल ज़्यादा हो तो रैंकिंग ज़्यादा होती है,
जनाब पोलकाडॉट का जो रैंकिंग में दो दर्जे कम है उसका अगर आप मार्केट कैपिटल देखें, $26 के नीचे उसका मार्केट कैप नज़र आ रहा है, 23 बिलियन है, जबकि XRP का जो कैपिटल है वो 25 बिलियन है। यानी XRP का कैपिटल ज़्यादा होने की बावजूद उसकी वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो पीछे फोर्स है जनाब, वो मैं अब आपको बताता हूँ। आप किसी भी क्रिप्टो कॉइन की दो चीज़ें, एक तो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है, एक टोटल सप्लाई होती है किसी भी क्रिप्टो कॉइन की। जैसे BTC है, BTC अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो तकरीबन 18 मिलियन के करीब क्रिप्टो कॉइन जो है मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, बाइंग सेलिंग हो रही है, और टोटल इसकी जो कैप है सप्लाई की वो 21 मिलियन है। लेकिन अगर रिपल की आप देखें मार्केट सप्लाई, तो इस वक्त जब उसकी वैल्यू सिर्फ 56 सेंट है, इस वक्त उसकी सप्लाई 45 बिलियन टोकन्स है। मार्केट में उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इतनी है, और टोटल सप्लाई कितनी है उसका मुझे फिलहाल पता नहीं है। लेकिन अगर आप पोलकाडॉट की, जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे थे, पोलकाडॉट की मार्केट सप्लाई इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो 908 मिलियन है। तो इसका मतलब यह है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई उसकी पोलकाडॉट की रिपल से बहुत कम है। रिपल 45 अरब उसके टोकन्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं जो कि यूज़र्स ने बाय करने हैं। और जैसे मैंने आपको वो सेब की मिसाल दी थी कि जितने ज़्यादा ख़रीदार होंगे और सप्लाई जितनी कम होगी, उतनी जाहरी बात है उसकी एप्पल की प्राइस ज़्यादा होगी, और जितने एप्पल ज़्यादा होंगे और बायर कम पड़ जाएंगे तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो डाउन होगी। तो ये वो फैक्टर था, एक तो सर्कुलेटिंग सप्लाई, और दूसरा मैं टोटल सप्लाई के बारे में भी आपको बताता चलूं। मार्केट में पिछले दिनों डोजी कॉइन, एलन मस्क साहब ने डोजी कॉइन के बारे में प्रमोशन की और डोजी कॉइन एकदम 800-900% मार्केट में ऊपर गया। तो डोजी कॉइन की रियलिटी मैं आपको बताता हूँ, डोजी कॉइन की टोटल जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, और जब भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, हमेशा ये बात जहन में रखें, अगर तो वो टॉप रैंकिंग में आ रही है तो उसमें करें, लेकिन अगर वो टॉप रैंकिंग में नहीं आ रही और उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है तो फिर उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी सप्लाई होगी उतनी उसकी वैल्यू ऊपर बढ़ने के चांसेस कम होंगे। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, सबसे पहले किसी भी क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन लें कि उसकी मार्केट में कितनी सप्लाई सर्कुलेट हो रही है और टोटल सप्लाई कितनी होगी और वो कब तक होगी, ये सारी उनके वाइट पेपर पर लिस्टेड होती है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने ये सारी चीज़ों को लाजमी देखना है। ये इस हवाले से मेरी सारी इन्फॉर्मेशन थी। आप इससे, इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा मौजू, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं मालूमाती वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में वो मेरे साथ मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर कुछ पूछना चाहें तो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।